प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो खिन, लाख तली लालेणिया मेरे जीव के ते जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पर ना वालू निर्कुनेत्र मेरे जीव के ते जीवन, मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत साक्षात अपने आवेश स्वरूप से अपने हुक्म और नजर को लेकर श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर विराजमान हुए और अपने हुक्म से इंद्रावती को वो हर शोभा दी कि जो जो हुक्म बयान करता चले वो इंद्रावती जी अपने दिल के नैनों की नजर से देखती चले और देखती चले और अपनी संगी आत्माओं को भी बताती चले और उनको सुख दे। तो है कहे हक हुकम सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे तन। तो ऐसा सुंदर परम धाम का रस पिलाने के वास्ते राजी ने अपने हुक्म से परम धाम दर्शन करा दिया श्री इंद्रावती जी को, और वो उन्होंने श्री बंगला साहेब श्री परनामे ने वाणी नाजिल होती गई और सभी सुंदर साथ जो वहां तन से मौजूद थे वो उसके साक्षी बने। वस्तुतः 12,000 की 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हर सुंदर साथ के दिल में विराजमान थी, तो अपरोक्ष रूप से तो वाणी नाजिल होती सबने सुना, लेकिन परोक्ष रूप से 5,000 सुंदर साथ थे। उनका सौभाग्य था कि उन्होंने अपने तन के कानों से भी सुना और बाकी ब्रह्म सृष्टियां उस दिल में बैठकर अपने दिल के कानों से सुना, जो राजी ने खुद उनको प्रदान किया। कहना कहलावना हक हादी बिना न होए, कान भी हक दे वही तब सुन सके सोए। तो इस प्रकार से वाणी नाजिल होती गई और हम उसको श्रवण करके उसका रस पीते गए। वाणी नाजिल होती गई हम रस पीते रहे, वाणी नाजिल होती गई हम रस पीते रहे, और जिसने जिसने उस रस को, अमृत रस को अपने दिल में संचित कर लिया, वो धनी के चरणों में साक्षात स्थान पा गया। तन छूटने के बाद तन के रहते रहते भी धनी के चरणों में, तन छूटने के बाद भी धनी के चरणों में। और ऐसे ही कई सुंदर साथ परोक्ष या अपरोक्ष में जो उस घड़ी थे, सम्मत 1740 से सम्मत 1748 तक, जब खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की वाणी नाजिल हो रही थी और उसका रसपान करके समयानुसार
लालदास जी के बाद कई परमहंस ऐसे हुए जिन्होंने अपने दिल की आंखों से, दिल के नैनों से, जो राज्य ने ही उनको प्रदान किया, आंखें भी हक दे वही, तो उनको जो प्रदान किया उससे उन्होंने परम धाम का चितवन में अपने दिल में धारण किया। और राजी ने हुक्म दिया कि जो तूने देखा उसका बयान कर दे, क्योंकि सभी सुंदर साथ को उसका रस मिलना है। तो वो बयान परमहंस श्री जुगलदास जी ने इतने सुंदर शब्दों में किया कि उसके बाद कई परमहंस उस वाणी का सहारा लेकर परम धाम की चितवन करके उसका वर्णन किए, जैसे जवाहरदास जी। तो श्री जुगलदास जी ने बड़ी वृत्त बहुत ही विस्तार से, मानो परम धाम का उनके दिल में धाम धनी ने खुद माप करके एक एक 25 पक्ष के एक एक अंग का सुंदर वर्णन करा दिया नूरी, और उसके अंदर नूरी लीला का भी वर्णन करा दिया। तो बड़ी वृत्त में चर्चनी के रूप में 25 पक्षों का वर्णन है, और रसानंद सागर में उन 25 पक्षों में जो भ्रमण करते हैं, लीला विलास करते हैं धामधनी अपनी रूहों के साथ, उसका वर्णन आता है। तो सुंदर साथ, आज हम लोग राज्य की कृपा से, अपने परमहंसों की कृपा से, हम सुंदर साथ भी उस लीला का रसपान करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग चलेंगे पश्चिम की चौगान में, पश्चिम की चौगान परम धाम में, पश्चिम की ओर दूब दलीचा के वायव्य कोण से लेकर उससे दक्षिण की तरफ 9 लाख कोस आते हैं जवेरों की नहरों तक, और उसी वायव्य कोण से हम पश्चिम की ओर 4.5 लाख कोस चलते हैं। तो एक इतना सुंदर पश्चिम दिशा में चौगान है जो 9 लाख कोस लंबा और 4.5 लाख कोस चौड़ा और जवेरों की नहरों की गुलाई को लिए हुए पश्चिम किनार पर जब जवेरों की नहरों पे पहुंचते हैं और दक्षिण किनार पे जब जवेरों की नहरों पे पहुंचते हैं, तो वो जवेरों की नहरों का जो गुलाई वाला हिस्सा है वहां तक ये पश्चिम चौगान की का क्षेत्र आता है। अब श्री अक्षरातीत दसहु दिशन की खूबी मजा लज्जत देखते चले जाते हैं, आगे अनंत कोट खूब खुशालियां गावती बजावती नाचती चली जाती। 300 लग के 5 दिस विषय अनंत कोट पंछी चले जाते हैं, और तले सुखपालों के अनंत कोट पशु चले जाते हैं, और हर एक पंछी अनंत कोट वेद पढ़ता है। मासूक पूरन ब्रह्म के अनंत कोट नाम लेते हैं, सो नया नया नाम लेते हैं, और पूरन ब्रह्म की अनंत कोट गुण सिफत जानता है।
और रात दिन 64 घड़ी कोटान कोट जुबानों से बयान करता है। रात दिन 64 घड़ी बीच मार्फत इश्क के गरक रहे थे, बीच छब हुस्न हक हादी रूहों के 8 प्रहर 64 घड़ी रोम रोम मग्न होते, और एक एक रोम जिनके कोट कोट सूरज से रोशन है, और पंछियों में से एक छोटा पंछी जो चिड़िया है, सो जैसा ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत अनंत कोट ब्रह्मांडों को अपने परों के वाव से तोड़ देते। मानिंद बलबूतों के फोड़ देवे एक छोटी चिड़िया ऐसा तेज बल नूर का रखती, और तले जो पशु चले जाते हैं सो अत्यंत महा पहलवान है, और कोटान कोट झुंड सिंहों के चले जाते हैं, कोटान कोट झुंड बाघों के चले जाते हैं, कोटान कोट झुंड तेंदुओं के चले जाते हैं और चीतों के चले जाते हैं, और गर्जना करते तिनकी गर्जना की आवाज धुकार से आसमान जिमी गर्जत, जिमी से वो आवाज आसमान तक जाती है, और उसकी प्रतिध्वनि जिमी से लेके आसमान तक के बीच में हर पक्ष में गूंज रही होती। पहाड़ पर्वत गर्जत हैं और पड़घा प्रतिध्वनि उठती है, मीठो मीठो पृथ्वी पर्वतों में शोभाए रहत है, कोटान कोट सिंह बाघ तिंदुए चीते जुगल जुगल मिलके ऊपर सिर अपने के वास्ते हक हादी रूहों के सेवा रथों की लिए हैं, कोटान कोट हाथी वास्ते हक हादी रूहों के सिंगार की। सहित अंबारी हौदा के कोतल चले जाते हैं, कोटान कोट हस्तियों के ऊपर दोए दोए बंदर बैठे हैं और पोशाक किए हुए हैं, और एक बंदर निशान को साधे हैं और किलाए बैठा बैठा हस्ती को चलाता है, नजर दोनों अक्षरातीत से बांधे हैं, और कोटान कोट रीछ ऊपर सुतरों के बैठे हैं, नगारे बजाते चले जाते हैं, और कोटान बंदर ऊपर घोड़ों के सवार हैं और नगारे बजाते चले जाते हैं, और कोटान कोट बंदर ऊपर घोड़ों के निशान लिए चले जाते, और कोटान कोट रीछ ऊपर हाथियों के बुलंद झांझे बजाते जाते हैं, और कोटान कोट लंगूर ऊपर घोड़ों के बैठे हुए तुरही रणसिंहा करनाल बजाते हैं, और कोटान कोट बंदर ऊपर घोड़ों के बैठे हुए खमाइचे बजाते चले जाते हैं, और कोटान कोट बीना रबाब को छेड़ते, और कोटान कोट बंदर छड़ियां लिए हुए नाचते चले जाते हैं, और कोटान कोट बंदर मृदंग गले में डाले हुए बजाते चले जाते हैं, और कोटान कोट बंदर अनंत बाजे बजाते चले जाते, और कोटान कोट घोड़े सिंगार किए हुए कोतल चले जाते हैं, और कोटान कोट संगीतों साध के नृत्य करते चले जाते हैं, और माफक गान के नृत्य करते हैं, और कोटान कोट ध्वजा पताका निशान बंदर रीछ लंगूर जमीन पर लिए जाते हैं, सो अनंत फौजों में अनंत कोट रंगों के ध्वजा पताका निशान फहराता, अनंत कोट विद के पशु पंखी हैं, और पशु पंखियों में अनंत कोट जाते हैं, एक जात के पशु पंखियों के अनंत कोट झुंड हैं, तिन एक एक झुंड में कोटान कोट पशु पंखी है,
सो एक एक जिनस के जानवरों में अनंत कोट झुंड है, तिन हर एक झुंड में न्यारे न्यारे रंगों के निशान ध्वजा पताका फहरात है। और जात जात के जानवर अपनी ही जात में चले जाते हैं, कोई मर्जात जात अपनी को नहीं छोड़ते। और हर एक जात के जानवर हैं, तिनकी फौज के दाएं बाएं आगे पीछे और मध्य में पांच बंदर चले जाते हैं। सो उस जिनस के जानवरों की कोटान कोट फौजें हैं, तिस एक एक फौज में से कोई एक जानवर नख पग अपने को हार कतार अपनी से बाहर रखे, तो ताही छिन बीच नख उसके बंदर छड़ी मारे और अदब अदब बोले, ऐसे अनंत कोट बंदर छड़ियां लिए ऊपर घोड़ों के सवार हैं और अबध अबध करते जाते हैं। और कोटान कोट छड़ियां लिए हुए और पोशाक पहने हुए जमीन पर चले जाते हैं और कोट रीछ नाचते हुए चले जाते हैं। आसपास उनके बंदर लंगूर बाजे बजाते जाते हैं और कई विध से पग नृत्य में कट छाती हाथ अंगुलियां मुख नासिक नासिका भौहें नयन सिर को नचाते हैं। और जिन विध से हक हादी रूहें अट्ठास करके इन विध से सब अंग मटकाते हैं और दर दीवाल को हंसाते हैं। अब अनंत कोट जवेरन की पुतलियां चली जाती हैं, सो कोटान कोट हस्तियों पर चढ़ी हैं, कोटान कोट जवेरों की पुतलियां एक खंडा रथों पर बैठी हैं और कोटान कोट दो खंडा कोटान कोट तीन खंडा चौखंडा कोटान कोट हस्तियों के पच खंडा रथों पर चढ़ी हैं और दो पुतलियां दो हाथों के किलाए किलाए बैठी हैं और चली जाती हैं। और कोटान कोट जवेरों की पुतलियां दो घोड़े के रथ पर चली जाती हैं और कोटान कोट जवेरों की पुतलियां इका घोड़े के रथ पर चली जाती हैं। कोटान कोट जवेरों की पुतलियां ऊपर रथ बैलों सिंहों तिंदुओं चीतों रीछों बकरों मृग मेणों के चढ़ी हैं और मानिंद कंचनियों के कोटान कोट झुंड चले जाते हैं। कोटान कोट जवेरों की पुतलियां तले जमीन पर नाचती गावती बजावती चली जाती हैं। कोटान कोट जवेरों की पुतलियां ऊपर घोड़ों के बैठी हैं और कई विध से नचावती जाती और अनंत कोट फौजों में अपार शोभा लेती। इन विध से सेना फौजें अक्षरातीत की संपूर्ण जिमी आसमान में छाए रहते हैं और मानिंद कोटों शहरों लश्करों इकट्ठे के शोर सराबा घमासान घमंड होता है। इन विधि से अक्षरातीत पूरन ब्रह्म मासूक दसहू दिशन को तमाशा देखते देखते और सर्व को हंसाउते रमाउते खिलाउते और सबको नैन सैन दीदार देते देते और सर्व को मुजरा लेते लेते चांदनी चौक में सुखपाल पे उतरे। सुंदर साथ ये जुगलदास जी की चितवन के द्वारा है। अब आप धाम धनी की कृपा से इंद्रावती जी ने जो चितवन से देखा उसका भी नजारा अपने दिल में धारण करें। अस्वारी पशु पंखियन पर धनी करत हैं जब जो जहां बसत हैं सो आए मिलत हैं सब। श्री राजी पशु पक्षियों के ऊपर बैठकर सवारी करने की जब भी इच्छा करते हैं तो सभी पशु पक्षी तत्क्षण उनके चरणों में आ जाते हैं, भले ही वो कहीं भी क्यों न रह रहे हैं। अपनी सभी लीलाओं को तजकर धाम धनी के चरणों में पहुंच जाते हैं। सखियों के दिल में जिन पशु पक्षियों के ऊपर बैठकर सवारी करने की इच्छा होती है उन पशु पक्षियों को पहले ही मालूम हो जाता है, वे सभी आकर सेवा में खड़े हो जाते हैं।
केसरी सिंह, बाघ, चीते, हाथी और अन्य बहुत सी जातियों के जानवर अपनी पीठ पर बैठने की उत्तम गद्दी सजाए हुए सेवा में प्रस्तुत हो जाते। इस लीला की मनोहारिता का मैं कहां तक वर्णन करूं? ऐसे कई प्रकार के बड़े जानवरों पे सवारी की लीला होती है। इनकी पीठ पर बैठने की गद्दी मूलतः बनी ही होती है। उसकी शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं? ये बैठने की गद्दी जो इनके ही नूरी अंगों की शोभा है। घोड़ों के भी पंख होते हैं और ये आकाश में उड़ते भी हैं। कूदने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करते। इन पर सवारी करने का सुख अनंत होता है। मन की गति के समान चलने वाले जानवरों पर सवारी करके सखियां तरह तरह की लीलाएं करती हैं। वे उन पर सवार होकर आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ान भरती। जब सभी सखियां मिलकर वनों में पशु पक्षियों के ऊपर सवारी करते हैं तो उस समय उनकी अलौकिक शोभा होती। पश्चिम की चौगान जहां केवल नूरमयी रेती का मैदान है, वहां पर वन न होने के कारण पशु पक्षी मन की गति से दौड़ते। मन की गति सुंदर साथ, ये 50 योजन का ब्रह्मांड काल माया का। अगर मेरी सुरता से मैं भवसागर को पार करके हद भूमि को पार कर लिया और बेहद में चारों विभूति ब्रह्म अव्याकृत समलिक केवल सत्स्वरूप को पार कर परम धाम की विशालता अनंत है, उसके मूल मिलावे में मात्र चितवन किया और मेरी आत्मा वहां चरणों में पहुंच जाती है। ऐसी गति पशु पक्षियों की भी होती और धामधनी उनके अंदर इच्छा डालते हैं, अपने दिल की इच्छा। सभी पशु पक्षियों के रंग वैसे ही हो जाते हैं जैसा धामधनी के दिल में आता है और धामधनी 25 पक्षों का भ्रमण करा देते हैं, एक क्षण भी नहीं लगता। जब श्री राज जी पशु पक्षियों पे सवारी करते हैं तब श्री श्यामा जी एवं सखियां भी पशु पक्षियों पे सवार हो जाती। उस समय सभी जातियों के पशु पक्षी झुंड के झुंड इतनी संख्या में साथ चलते हैं कि उनकी कोई सीमा ही नहीं होती। श्री राज श्यामा जी और सखियां पशु पक्षियों पर जब भी सवारी करते हैं उस समय वनों में रहने वाले सभी पशु पक्षी उनके दर्शन करने अवश्य आ जाते हैं। प्रत्येक पशु पक्षी की सेना के चलने पर बाजे बजते एवं अपनी पहचान देने के लिए प्रत्येक सेना के अलग अलग रंगों के झंडे होते हैं। पशु पक्षियों की सेना का विस्तार अनंत है, उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। उन पशु पक्षियों की सेना में प्रत्येक सेना में कई सेनापति होते हैं और उन सेनापतियों की भी सेनाएं और उस प्रत्येक सेना में बहुत से प्रमुख भी हैं। उन सेनापतियों की सेनाओं की गिनती ही हो पाना संभव नहीं है,
क्योंकि ये अनंत संख्या में। इस प्रकार अलग अलग जातियों के समूह श्री राज्य के दाएं बाएं आगे या पीछे चलते हैं, सभी समूहों में चलते समय बहुत ही सधी हुई व्यवस्था होती है। सेना के आगे पीछे बड़े बड़े बंदर हजूरी की भूमिका निभाते हैं। वे अपने समूह को सेना के दाएं बाएं रखते हुए संपूर्ण सेना को व्यवस्थित रूप से चलाते हैं। राजश्यामा जी की सवारी के साथ पशु पक्षियों की जो बहुत सी सेनाएं चलती, उनमें तोता और मैना चारण की लीला करते हैं, अर्थात धाम धनी की महिमा गाते हुए चलते हैं। ये सारी सेना को समूहबद्ध किए रहते हैं, बिखरने नहीं देते, सीध में चलाते हैं। पशु पक्षियों के पंखों की अनंत शोभाएं हैं, उनके रोम रोम से अति सुंदर ज्योति आकाश में उठ रही है। ये ज्योति जवाहरातों के आभूषणों की ज्योति से टकराकर युद्ध का दृश्य मानो उपस्थित करती है। इन पशु पक्षियों के मात्र एक रोम की ज्योति से जब संपूर्ण आकाश मंडल ढक जाता है, तो अनंत की संख्या में जो पशु पक्षी हैं, उनके शरीरों से निकलने वाली नूर की ज्योति का वर्णन जुबान से नहीं होता, मात्र उसका अवलोकन अपने दिल के नैनों की नजर से किया जा सकता है। और वो भी यहां बैठकर नहीं, जब मेरी आत्मा धनी का तारतम बल लेकर अद्वैत और निस्बत की लाठी लेकर धाम में पहुंचती है, फिर वहां का वो अद्भुत नूरी नजारा जिसके अंदर अनंत रंग पशु पक्षियों के तन से बिखरे होते हैं, जिमी से आसमान के बीच, उसका अवलोकन आत्मा अपने दिल के नैनों से कर सकती है। और जब आत्मा करेगी तो आत्मा पर आत्म के दिल के नैन की नजर ही तो है जो उसके स्वप्न स्वरूप प्रतिबिंब पर पड़ा है। यानी पर आत्म भी जो आत्म देख रही होती है वही पर आत्म के दिल में आता है। बेर बेर वो चौपाई याद करो सुंदर सात, अरस्तन का दिल जो अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु नाहे, सुख लज्जत अरस्तन खैचही, तब क्यों रहे अंतर माह। अब ये पर आत्म के दिल में वो यादें आती जो धाम धनी के संग इस खेल में आने के पहले लिया करते थे। उनो अंतर आंखें तब खुले जब हम देखें, जब आत्माएं इल्म के द्वारा उस लीला का अवलोकन करती हैं, तो मेरी पर आत्म का दिल जागृत होता है। उनो अंतर आंखें तब खुले जब हम देखें वो नजर, अंदर चुभे जब रूह के तब इतही बैठे बका कर। तब पर आत्म जो जिसका मूल तन वही परम धाम में है, जब उसकी अंतर दृष्टि खुलती है तो उसको ये मालूम पड़ जाता है कि वो धनी के चरणों में बैठी है। लेकिन क्योंकि खेल अभी कायम है धनी के दिल में, तो जब तक खेल
धनी के दिल से उस अपने उद्देश्य को पूरा करके अक्षर की नूर नजर तले अखंड नहीं कर देते, तब तक पर आत्म के नैन बेसुध ही रहेंगे, उस खेल में ही रहेंगे। तो वो परम धाम का पश्चिम चौगान के अंदर जो अति सुंदर जैसे राजा महाराजा की सवारी चलती है, तो कितने बाजे नगाड़े फौजे ध्वनि ध्वजा बजता है, और वो रेती के जो कण है श्वेत रंग के नूर, और वो 4.5 लाख कोस चौड़ा और 9 लाख कोस लंबा, जवेरों की नहरें उसके एक किनार से दूसरे किनार तक गोलाई में, उसकी जो रेती है वो उसका नूर पूरे आसमान में मानो युद्ध कर रहा। लेकिन जब ये पशु पक्षियों की सेना चलती तो जैसे किसी स्थान पर बहुत सेना चले तो वहां जैसे इस संसार में धूल उड़ता है, वैसे ही वहां पश्चिम के चौगान की रेती अपने अनंत रंगों को धारण किए हुए उस जिमी से आसमान तक जैसे अनंत तारे बिखर गए होते हैं। संपूर्ण परम धाम की नूरी धरती, वनों और पशु पक्षियों की ज्योति कैसी होगी इस अलौकिक शोभा को, उसके नूर को चितवन के अलावे कोई और विकल्प है नहीं। ये बात दिमाग में नहीं आती, ये दिल में आने की बात है। आत्मा विराज जी के दिल में है। दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म, इनमें सक कछु नहीं यो कहे हक इलम। अपनी सुरता जो हुक्म लेकर इस तन में विराजमान है, जिसके दिल को, जिस आदमी के दिल को अर्श का ना, तो हक आदमी के दिल को अर्श कहे क्यों कर, अगर इसमें आत्मा ना होती तो किसके दिल को अर्श का, जीव के दिल को अर्श तो कह नहीं सकते, है ही नहीं। इस तन के दिल को तो अर्श कह नहीं सकते, है तो वो आत्मा ही जो धाम धनी की अंग स्वरूपा है, अंगना है, उसका दिल अर्श है। और जब वो दिल इल्म को लेकर उसका स्वरूप देखती है तो उस नूरी नजारे को देखने का अलौकिक सुख का क्या बयान करें। जब अक्षरातीत धाम धनी के उस नूरी स्वरूप को देखा जाता है जो सर्वोपरि है और जिसमें वन धरती और आकाश आदि सबके नूर समाहित हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे आकाश धरती पशु पक्षी वन आदि में श्री राज जी का ही नूर आत्म क्रीड़ा कर रहे हैं। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्स सुभान, पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अर्स वाहे दत्त में दूजा मिले न कछुए का, या पहाड़ या तिनका सब चीज बिद आत्म, सब देत देखाई जाहिर जो देखिए माहे चसम। आत्मा के अंतर दृष्टि से दिल के नैन की नजर में राजी का हुक्म और धाम की निस्बत का पल लेकर जब चितवन की गहराइयों में संसार से विमुख होकर इस तन और जीव और उसके मन से विमुख होकर
आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में परम धाम का दीदार करती है। सुरत एक ही राखी है, सुरत जो है अपने शुद्ध स्वरूप में मूल मिलावे में पहुंचती है। और जितनी लीला का वर्णन हो रहा है वो धनी के दिल ने ही किया है, और उस लीला का अवलोकन करें। सवारी में सबसे आगे केशरी सिंहों की पंक्ति, दूसरी पंक्ति बाघों की चलती, तीसरी पंक्ति वन बिलाओं की चलती और चौथी पंक्ति में चीते चलते। आपने तो देखा होगा अपने मूल तन से अरस परस होए के उसको देख लो। तेंदुए सुअर रीछ नील गाय बैल सांबर मृग भेड़े हिरण जंगली भैंसा गाय कुत्ता हाथी कच्चर घोड़े तथा गैंडे आदि क्रमशः पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं, जैसे एक एक पशु की नस्लें, एक एक सेना की फौजें। केसरी सिंह की शक्ति सबसे अधिक कही जाती है, निश्चित रूप से वो बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। हे साथ जी, ये सारी बातें यहां के भावों से आपको बताई जा रही है, लेकिन अपना दिल जब वहां ले जाएंगे तो उसकी शोभा ही निराली होगी। आपको तो पता है परम धाम में हमें मात्र हकीकत की लीला का ज्ञान था। जब हम परम धाम के किसी भी पक्ष में होते हैं, जैसे अभी वर्णन हो रहा है, तो हम अपने मूल तनों से पश्चिम की चौगान में जमुना जी में झील कर जाते हैं, सुखपालों से उतरते हैं, फिर पशु पक्षियों की सवारी करते हैं, और उसका जो अनंत रंग और रूप है वो हम अपने तन के नैनों से देखा करते थे, और उसका वो तन के नैनों से जो देखते थे वो वस्तुतः सारे इश्क के स्वरूप हैं, और हम उसका जो इश्क का रस आनंद होता है अपने दिल में लेते थे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जितने पशु पक्षी मैं अपने नैनों से देख रही हूं और हम जितनी सखियां उस पर सवारी करते हैं, वो अब पता लगा आत्मा के माध्यम से राज्य का इल्म का बल लेकर कि वो सारा का सारा राज्य का ही स्वरूप है। और तब उसकी लीला आत्मा के दृष्टि में इतनी बढ़ जाती है कि जो हम परम धाम में सुख लिया करते थे उससे मानो अनंत कोट गुना उसकी लज्जत बढ़ जाती है। आप ध्यान कीजिए, हम वाणी के द्वारा कई जगह ऐसा वर्णन सुना भी है कि धाम धनी 12,000 रूप धारण कर लेती, लेकिन धाम धनी ने तो अनंत रूप धारण किए हुए। और जैसा वनों में श्रृंगार करके बैठते हैं और मुकुट होता है, और ऐसा सुंदर बागा बैठकर जब हम राज्य को देखते हैं, तो जैसे मान लो एक सवार एक पशु पर वो बैठे, तो मूलतः हमारी नजरें देख सकती कि जितने पशु हैं सब अपने ऊपर राज्य को की सवारी
महसूस करते हैं। और हर पशु पे 12,000 सखियां भी बैठती, कोई पशु ऐसा नहीं है जो बिना इनकी सवारी के चलता। ये भाव लेके दिल में देखिए, वो सवारी करते करते दिखे या ना दिखे, लेकिन कोई पशु पक्षी उस स्पर्श का रस छोड़ना नहीं चाहता। और ऐसी हकीकत की लीला देखी थी हमने परमता। अब इल्म के द्वारा खिलवत वाहदत निस्बत कि जो मार्फत स्वरूप है, जो राजी के दिल का स्वरूप है, अब राज जी ने अपने खुद ही दिल से, वाणी से वो सारा धाम का दरवाजा खोला और हमको उसके अंदर लेके उसका एक एक नूर का अंग का दीदार करा दिया। केसरी सिंह जब छलांग लगाता है और असीम गर्जना करता है, तब उसकी बेशुमार शक्ति का पता चलता है। वो आकाश में इतनी शीघ्रता से छलांग लगाता है कि मन की गति भी पीछे पड़ जाती है। केसरी सिंहों की संख्या अनंत है और जब ये सभी मिलकर एक साथ बोलते हैं, गर्जना करते हैं, तो उस समय संपूर्ण परम धाम की धरती और आकाश में इतनी मधुर गर्जना होती है कि मानो सारे वन उसकी गूंज से हिल जाते हैं, पहाड़ हिल जाते हैं, सागर के जल में लहरें ऐसी हिलोरें लेने लग जाती हैं कि वो आसमान को छूने लग जाती है। माणिक पहाड़ के हिंडोले स्वयं ही झूलने लग जाते हैं। ऐसी अद्भुत गर्जना, इस प्रकार की राज्य की सवारी में बहुत बड़े बड़े घोड़े चलते हैं जो इस सवारी के प्रमुख माने जाते हैं और उनके भी पंख हैं। ये अपनी गर्दन उठाकर सिर को ऊंचा किए हुए थुमक थुमक कर संगीत के मधुर स्वरों की तरह ध्वनि करते चलते हैं। सुंदर साथ इस सारी आरबल गुजर जाए, उम्र गुजर जाए, तो भी एक घोड़े के मान भरे मुख को, के नैनों की शोभा को मैं बयान न कर पाऊंगी। तो वो अनंत जानवरों की शोभा का बयान तो क्या करेंगे। बहुत से जानवर अपने मुख से अति मीठे स्वरों में सुर और ताल से युक्त धनी के गुणों का गायन करते हैं। सुंदर साथ कितना इस ब्रह्मांड में आने के बाद हम ब्रह्म सृष्टियों के दिल को क्या कहें, इतने कठोर हो गए कि जब पशु पक्षी धनी के गुण गावते गावते अघाते नहीं है और हमारे मुख से धनी का एक गुण न निकले। जितने अवगुण हो सकते हैं वो सारे हमारे में भरे और जितने गुण धनी के सदगुरु में वो हम क्या गिनेंगे। इसलिए ये चितवन का राह दिखाई गई है कि लाज करो, देखो वहां की छोटी से छोटी पक्षी या बड़े से बड़ा जानवर किस प्रकार से राजी के गुण गाता।
उससे ही प्रेरणा लेकर इस संसार में बैठकर अपना समय बिताओ, धनी के गुण गाते गाते। ये तन छूट जाए धनी का गुण गाते गाते, तो इत भी धन उत भी धन धन। इन पशु पक्षियों के नेत्र भी इतने सुंदर हैं, आप उन नेत्रों के अंदर आपको तो गर्व हो जाता है कि मैं अहम भाव धाम का, अहम मेव जाग्या धाम का, कि मैं धाम की अंगना हूं और मेरी आत्मा के नैनों में धाम धनी बसते। अरे तुम एक एक छोटी छोटी पक्षियों, सुंदर पक्षियों के नैनों को निहारो, उसमें कौन बसता है? धाम धनी का स्वरूप उसमें बसता है। आत्माओं लजा जाओगे जब उन अनंत पशु पक्षियों के नैनों में धनी का सुंदर स्वरूप देखोगे और विद-विद के स्वरूप देखोगे। जिस पशु पक्षी के दिल में जैसा भाव आया वैसा ही स्वरूप धर के उनकी दिल में पहुंच जाते हैं और दिल से नैन में भर आ जाते हैं। धनी इनों के कारण स्वरूप धरे कई करोड़। और हम देखो हमारी सीमा इतनी छोटी है कि राजी ने कहा अपनी अंगनाओं को हम क्या करें जिससे इनका दिल मेरी ओर लग जाए, माया से अलग हो जाए। तो पशु पक्षियों के कारण तो उन्होंने कई करोड़ यानी अनंत रूप धारण किए और हमारे भी कह दिया तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काबिल नहीं हो, तो कम से कम मूल मिलावे को ही देख लो, मेरे उस स्वरूप को। है तो मेरे करोड़ों स्वरूप, तुम एक स्वरूप तो देख लो। और उस एक स्वरूप को देखने में हम मरे जाते, लाज नहीं आनी चाहिए? जानते वहां जो कहते हैं दैन नीके चोंच शोभित, मीठी जुबा मुख बान, खुशबोए गूंजे कई भ्रमरे, कई तिमर अलापे तान। ये जो भौरे होते हैं और झिंगुर, वो भी इतनी मीठी ध्वनि में धनी के गुण गाते हैं कि आत्मा सोचती है कि हम क्यों आए यहां। तो धाम धनी बताते हैं तुम यही तो नहीं जानते थे कि उन सब स्वरूपों में मैं ही हूं, यही बताने के वास्ते ले गए, तो अब तुम चितवन के द्वारा लीला स्वरूप भी देख सकते हो, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि मूल मिलावे में बैठे हुए मेरे उस जुगल स्वरूप को अपने दिल में अंकित कर लो जो सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। लज्जित ना हो, घबराओ मत, है तो ये हंसी का खेल, लेकिन मैं अपनी अंगनाओं की हंसी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो तुमसे सिर्फ लाड़ करता हूं, तुमसे मात्र प्रेम करता हूं। हो सकता है जब तुम मेरे सामने स्वाभिमानिनी का स्वरूप धर के बैठोगे
तो मैं अपने हस्त कमल से तुम्हारे गालों को स्पर्श देके अपने दिल का सुख उड़ेल दूंगा। सवारी के समय संपूर्ण आकाश पक्षियों से छाया रहता है। धनी को रिझाने के लिए सभी अपनी अपनी कलाएं दिखाते हैं तथा तरह तरह के खेल दिखाने की साधना भी करते हैं। जैसे ही नगाड़े पर एक जोर की ताली पड़ती है तो अनंत बाजे बजने लग जाते हैं, जिनकी गूंज संपूर्ण धरती और आकाश में सुनाई देती है। इस समय की शोभा अद्भुत है, अलौकिक है। सेवा करने वाले बंदर बहुत ही शक्तिशाली होते। बाजे सब बजा वही बंदे बांदर बलवंत, वो तो आपे बाजे ही पर इस सेवा न छोड़े। इस सभी बाजों को बजाते हैं। हालांकि परम धाम के बाजों को बजाना नहीं पड़ता, वो मात्र चित्त से बजते, लेकिन लीला में बंदर बजाकर धनी को रिझाने की सेवा करता है। और जब वो बजाता है तो उसके नैन धनी के नैनों से मिले रहते हैं। वो नगाड़े बजा रहा है और उसके हस्त कमल की क्रिया इतनी मधुर होती है और उसके मुखार बिंद पे इतनी माधुर्य से भरी हुई हंसी होती है और उसके नैनों में इतना उमंग उत्साह भरा होता है कि धाम धनी रीझ जाते हैं उसकी हर अदा, और वो बंदर आशिक हो जाता है और राजी माशूक हो जाते हैं। तो जब बंदर के स्वरूप भी ऐसे रिझा सकते हैं तो ये हमारे लिए क्या सिखापन नहीं है? श्री राज जी की सवारी के आगे पीछे हमेशा अत्यधिक शोभा के साथ सेना पशु पक्षियों की चलती, दाएं बाएं पशु पक्षियों का समूह चलता है। कोई भी अपनी इस प्रेममयी सेवा को किसी भी स्थिति में छोड़ता नहीं। सुंदर साथ, जब ऐसे सुंदर स्वरूप का वर्णन हो रहा हो और कोई सखी उससे जुदा हो जाए, कितनी हतभागी हो जाती। श्री राज श्यामा जी सहित सभी सखियों की सवारियां उस समय अत्यधिक शोभा को धारण करती हैं, जब सभी पशु पक्षियों की जातियों की सेना अपने अपने समूह में पंक्तिबद्ध होकर समान रूप से चलती। सुंदर साथ, एक छोटा सा उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन के सामने अनंत सेना के सजे हुए समूह चलते हैं और बाजे बजते हैं, ये तो एक जर्रा मात्र भी नहीं है, इससे अनंत कोट गुना शोभा परम धाम के पश्चिम की चौगान। हे साथ जी, अपने हृदय में इन पशु पक्षियों के व्यवहार के विषय में विचार करके देखिए। प्रेम में डूबे हुए ये पशु पक्षी आकाश में उड़ते हैं तथा धरती पे चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हैं। इनकी संपूर्ण सेना का व्यवहार ही ऐसा है। ऐसे सबे लश्कर सुमार नाहीं पर चिन्हार इश्क सबों को बंदे कायम कदम तल। सभी को धाम धनी की प्रेम की पहचान है, अर्थात प्रियतम अक्षरातीत के प्रति अखंड प्रेम ही इनका जीवन है। धनी के चरणों में इनकी अखंड प्रेमा भक्ति है, इश्क बंदगी है। सुंदर साथ, इश्क रब्द ब्रह्म सृष्टियों ने किया। क्या घोड़ों ने इश्क रब्द किया? क्या पशु पक्षियों ने इश्क रब्द किया?
तो हम क्यों कर बैठे? वस्तुतः धाम धनी के दिल से उन पशु पक्षियों का जुड़ाव कदाचित हमसे अधिक था। हालांकि ये सुनने में भी एक आत्मा को बड़ा सुख मिलता है कि मेरी ही संगी आत्मा का स्वरूप इतना सुंदर है, मीठा है, जिसके दिल में धनी की पूर्ण पहचान है। सुंदर साथ समय की सीमा है, इसका इसके कई कई चौपाई हैं। मैं यूं समझो सुंदर साथ कि अभी करीब करीब आधा चौपाइयां का रस बाकी, तो वो हर चीज तो यहां हो सकता नहीं। तो सुंदर साथ से गुजारिश है कि अपने अपने घरों में अपनी सुरता लगा के परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 29 29 को एक एक चौपाई के भाव को अपने दिल में उतारे और उसका सुख ले। तो सुंदर साथ जी, आपके चरणों में गोटान कोट।